नमस्कार, मेरा नाम राजन है और आप इवन बिहार देख रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार कितने महंगे घर में रहते हैं और वो घर कैसा होता है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और भोजपुरी सुपरस्टारों से अगर आप प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले सुपरस्टार जो कि हैं काजल राघवानी। दोस्तों, अगर बात काजल राघवानी के गांव की घर की करें तो वो बहुत ही बड़ा और आलीशान है, कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया की जाती है। वहीं बात करें मुंबई तो उनके रहने का मकसद बस एक ही है, वो है फिल्मी दुनिया। और वहाँ वो एक अपार्टमेंट में रहती है और उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया है, जो कि बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है। दोस्तों, दूसरा शख्स है अक्षरा सिंह। दोस्तों, अक्षरा सिंह मुंबई में उनके पहले मम्मी पापा भी रहते थे और आज अक्षरा सिंह भी मुंबई में ही रहती हैं। और वो जिस अपार्टमेंट में रहती हैं उसकी कीमत 1.95 करोड़ रुपया है, जो कि एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है जहां पे हर एक सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ ज़्यादातर काम और ज़्यादातर भोजपुरी फिल्म की प्रोडक्शन अपने गाँव से करने की कोशिश करते हैं। जहाँ अगर बड़े शहर में जाना रहता है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ जाते हैं, फिल्मों की शूटिंग करते हैं और बाहर बहुत कम रहते हैं, इसलिए उनके घर के बारे में उतना ज़्यादा अंदाज़ा हमारे हाथ नहीं लग पाया। लेकिन गांव के घर के बारे में हमने बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की और गांव का घर दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगर बात करें तो गाजीपुर में स्थित है और उनका घर 3.40 करोड़ रुपये का उनका घर है, जो कि बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल है। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनवाया है और उस घर से ही बहुत सारे गाने का और फिल्मों की शुरुआत दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पवन सिंह के घर के बारे में। दोस्तों, पवन सिंह भी आरा में बहुत ही बेमिसाल घर बनवाए हैं, जो कि बहुत ही लग्जरी और एकदम हवेली की तरह है। लेकिन बात अगर करें मुंबई में रहने वाले जगह के बारे में तो पवन सिंह भी रहते हैं अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट की कीमत की बात करें तो कोई 3.5 करोड़ रुपया की वहां दावा करता है कि वो घर उतने रुपए का है। दोस्तों, बात करते हैं अगले सुपरस्टार मनोज तिवारी के बारे में। दोस्तों, मनोज तिवारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और सरकारी लाभ जिस लोगों को मिलता है वो कितना भी पैसा खर्चा कर दे वो पैसा दे के नहीं किया जा सकता है। तो मनोज तिवारी का घर भी बहुत ही बेमिसाल है और कीमत की बात करें तो इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, बात करते हैं रवि किशन गोरखपुर के सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बात करें इनके घर के बारे में तो बहुत सारी सिक्योरिटी, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन, बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे सर्वेंट इनके हवेली पे इनके घर पे मौजूद रहते हैं। और अगर बात कीमत की करें तो इनके कीमत का भी घर का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी सरकारी विभाग का पैसा से ही रहते हैं और वहाँ पे अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का घर अब एक नया रूप से बनना शुरू हो रहा है, जो कि हाल ही में खेसारी लाल यादव ने गांव जाके उस घर की नींव रखी थी। बात अगर कुछ रिपोर्ट लीक की जाए तो 4 करोड़ रुपये का घर खेसारी लाल यादव बनवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर वही बात करें पुराने घर के बारे में तो जहाँ खेसारी लाल यादव पहले रहते थे उस घर की कीमत लगभग 20, बात करते हैं मुंबई में स्थित घर के बारे में तो खेसारी लाल यादव का घर उतना ज़्यादा लग्जरी और बड़ा तो नहीं है, लेकिन खासियत यह है कि खेसारी लाल यादव का अपना ज़मीन और अपना घर है, यानी कि वो किसी अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। तो उनके घर की अगर पूरी कीमत की बात की जाए तो 7 करोड़ रुपये होता है। तो दोस्तों, ये है कुछ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों का घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए इवन बिहार। नमस्कार।